हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एक ऑपरेशन रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्यूलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ड्यूलिटी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ ड्यूल फॉर्म, या वी कैन से एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इंटू डिफरेंट फॉर्म। दैट डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज ड्यूलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप जानते हैं, ये एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास मैन, मटेरियल, मशीन, टाइम इस रूप में होते हैं, और इनको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि आपका गोल क्या है। और आपका ऑब्जेक्टिव दो ही होते हैं, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें आता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, उनकी इक्वेशन लिखी जाती है इनइक्वालिटी के फॉर्म में। इन इक्वेशन जैसे x1 प्लस 2x2 इस तरह से इक्वेशन हो सकती है, या x1 प्लस x2 इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। मतलब कॉन्स्टेंट और इक्वल भी हो सकता है, उसमें इक्वल भी लिखा जा सकता है, बट जनरली जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसमें हम ग्रेटर और इक्वल का साइन पुट करते हैं। और थर्ड पार्ट में होती है कंडीशन ऑफ नॉन निगेटिविटी। तो ये थर्ड पार्ट था आपका जिसमें हमने नॉन निगेटिविटी को बताया। तो कुल मिला के कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर लेंगे तो वो, या कहा जाए कि उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में तीन ही पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा जो पार्ट है वो होगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट या कंडीशंस, कि भाई आप मैक्सिमम प्रॉफिट इस कंडीशन में ही आपको मिलेगा, या यही हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप मैक्सिमम प्रॉफिट या कॉस्ट को मिनिमाइज करें। और थर्ड है नॉन निगेटिविटी इन द सेंस कि जो x1 होगा और x2 होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, वो आपका माइनस में नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो इस रूप में लिखी जाती है, और उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ड्यूल फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखा है ड्यूलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट स्टेट दैट एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज अनदर लीनियर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। मतलब कि हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एक एसोसिएटेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है जो उससे संबंधित होती है। वी कैन डेराइव इट, हम उसे निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्राइमल, वाइल डेराइव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ड्यूल। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल से जानेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है ओरिजिनल प्रॉब्लम इज कॉल्डेड प्राइमल। ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमल। इन प्राइमल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। या तो उसमें ग्रेटर का साइन होगा, या लेस का साइन होगा, या इक्वल का साइन होगा। मतलब ये वही बात है जो हमने यहाँ पर लिखा है आपको, कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसमें ये चीजें पाई जानी चाहिए। जो ड्यूलिटी मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा रूप है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसके कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। इनको अगर हम समझ लेंगे तो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा ड्यूलिटी से संबंधित, उसे हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए सबसे पहला जो रूल्स है उसको समझ। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। अगर मैक्सिमाइज होगा तो उसमें इस तरह का साइन लगा होगा, लेसर इक्वल टू, और अगर मिनिमाइज होगा तो ग्रेटर इक्वल टू। तो जब हम इसको ड्यूल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये साइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट। तो रूल नंबर 1 क्लियर।
रूल नंबर वन ये कहता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर ग्रेटर का साइन है तो अगर हम उसको ड्यूल फॉर्म में बदलेंगे तो वो लेस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छी तरह से। फिर सेकंड, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही कांस्टेंट बन जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने कांस्टेंट तैयार होंगे किसमें, ड्यूल फॉर्म में। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट इतने होंगे, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनेंगे। तो वो सिंपल सा रूल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट में, नंबर ऑफ कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। और फोर्थ में है, इफ वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्वेश्चन में लिखा है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उस केस में जब हम ड्यूल फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टाइप में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बस याद रखिए कि अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई कह दिया ये वाई वेरिएबल या एक्स वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब ड्यूल फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर हम इक्वल का साइन पुट करेंगे। फिर आता है इफ कांस्टेंट इज इक्वल टाइप, अगर मान लेते हैं कोई इक्वेशन ही आपकी कांस्टेंट मीन्स इक्वेशंस, अगर कोई इक्वेशन ही आपकी इक्वल टाइप की है तो फिर हम निसंदेह उसको ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट, ड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट होने पर क्या लिखेंगे कि वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब अगर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम उधर लिख देंगे इक्वल टाइप, अगर कांस्टेंट हमारा इक्वल टाइप है तो उधर हम लिख देंगे वेरिएबल अंडरस्टूड। तो कांस्टेंट ए वेरिएबल में इंटर कन्वर्जन होता है, देखिए वेरिएबल यहाँ आया तो कांस्टेंट यहाँ हो गया, कांस्टेंट यहाँ है तो वेरिएबल यहाँ हो गया, और वेरिएबल यहाँ है तो कांस्टेंट यहाँ। तो इक्वल अगर है प्राइमल फॉर्म में तो वो ड्यूल फॉर्म में बदल जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर ये ड्यूल फॉर्म है तो वहां पर बदल जाएगा वो, ड्यूल फॉर्म है तो वहां पर, ड्यूल फॉर्म में अगर ये इक्वल है तो फिर सॉरी अगर प्राइमल फॉर्म में ये इक्वल है तो ड्यूल फॉर्म में वो अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में कन्वर्ट। तो ये रूल्स बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी टाइप के ड्यूलिटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सभी जानेंगे एक एक करके। थैंक यू वेरी मच।